subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता में कौन है वेदिका कहाँ से आई है ये सवाल आपके पास है, लेकिन इस सवाल का भी एक जवाब आपको दे दे कि वेदिका ने जो अपनी रियल आइडेंटिटी बताई है वो उसकी रियल आइडेंटिटी है ही नहीं। जी हाँ, वेदिका के पिता के बारे में कार्तिक जानता है। जहाँ कार्तिक को वेदिका के पिता ने दिया था एक वादा और वो वादा था उसकी बेटी को संभालने का। वहीं आपको ये भी बता दे कि वेदिका वो लड़की नहीं है जिसके पिता की मौत हुई थी और कार्तिक की वजह से, ये तो दूसरी लड़की है जिसका सच अब पुलिस के हाथों आने वाला है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि वेदिका 3 साल पहले से एक चाल चल रही है और घर वालों को धोखा दे रही है और वो किसी मकसद के सिलसिले में गोइंकास की ज़िंदगी में आई है। जहाँ ये सच कहीं ना कहीं आदित्य से भी जुड़ा है, क्योंकि आदित्य और वेदिका पहले भी एक साथ पकड़े जा चुके हैं। हालांकि उसकी अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपको जल्द ही इसकी अपडेट भी दे देंगे कि वेदिका और आदित्य का एक ऐसा कनेक्शन है जो कि गोइंकास को बर्बाद करने के लिए काफ़ी रहेगा। वहीं जब पुलिस वाले गोइंकास के पास आएंगे सबूत लेकर, तो वेदिका का असली चेहरा भी आ जाएगा, तो वेदिका के साथ साथ कायरा एक हो जाएंगे। जहां कार्तिक और नायरा के मिलने के बाद घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो आगे क्या होने वाला है और वेदिका का असली रूप कब आने वाला है, आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।